ने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था आपको कि पतंग को किन्ना कैसे बंधी जाती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो फिर आप मेरे पिछले रिसेंट वीडियो भी चेक कर सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये पतंग को किन्ना कैसे बंधी जाती है। तो अब मैं दिखाऊंगा इस पतंग को किन्ना बांध के, इसका टेस्टिंग करके कि ये हमने जो किन्ना बंधी हुई है वो पतंग हमारी कैसी उड़ती है और कैसे उड़ानी है वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, पतंग उड़ाने वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पतंग को कुछ उसी डायरेक्शन में ले जाना है, कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर भी हवा हो अगर हमारी पतंग मुड़ रही है तो क्या करना है, कुछ इस प्रकार से पतंग को मोड़ना है और यहाँ पर से कुछ उसी प्रकार से आपको थोड़ा ऊपर करना है, जहाँ भी हवा है उसी डायरेक्शन में आपको भेजना है पतंग को और हमारी पतंग है जो उड़ने लगेगी। तो दोस्तों हमारी पतंग है जो उड़ने लगी है, और देख सकते हो आप काफी बढ़िया तरीके से हमारी पतंग है जो उड़ रही है, मतलब हमने जो किन्ना बंदी है वो भी हमारी किन्ना है जो सक्सेस हो चुकी है और काफी बढ़िया तरीके से पतंग भी हमारी उड़ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट में बताओ कि किस प्रकार से आपको वीडियो देखना चाहते हो। तो अभी पतंग उड़ाने का तो कोई फायदा नहीं, आजू बाजू कोई भी पतंग उड़ नहीं रही है, हम शाम को उड़ाएंगे। अगर आप चाहो तो हम लाइव भी कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन, आप कमेंट में बताओ। और देख सकते हैं हमारी पतंग भी काफी दूर जा रही है और काफी बढ़िया तरीके से उठ रही है। चले तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।